क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता 22 जून से शुरू होगी, जो लगातार एक महीने तक चलेगी। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सुशील पहलवान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गांव फिरोजपुर कला में DITMR कॉलेज के नज़दीक फरीदाबाद में होगा। इस प्रतियोगिता का आसपास के सड़कों, क्रिकेट से जुड़े लोगों को बेसब्री से इंतजार है। प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और पहला प्राइज 51,000 रुपये तो दूसरा प्राइज 31,000 रुपये होगा। इसकी जानकारी साई क्रिकेट एकेडमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली के जैतपुर में किया गया, जिसमें 16 टीमों के कप्तानों ने भाग लिया। इसमें साथ ही टूर्नामेंट आयोजक नीरज खटाना और दीपक पुनिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। जरूरत है इस तरह के आयोजन वक्त वक्त पर होते रहें, तभी एकेडमी का महत्व होगा, क्योंकि काफ़ी प्रतिभा गाँव में भी छिपी होती है या शहर की किसी कॉलोनी में छिपकर रह जाती है। उन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता। जब खेलने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो वह कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। इस तरह से आयोजन एकेडमी करेगी तो प्रतिभा निकलेगी और वह नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे। ज़रूरत है सभी संस्थाएं अपने अपने एरिया में इस तरह के आयोजन करवाती रहे। खेल से तन और मन तो तंदुरुस्त होगा ही, साथ में रोज़गार के अवसर भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। खेल के जरिए काफ़ी अच्छा रोज़गार खिलाड़ियों को प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां खिलाड़ियों की सहायता करती है, लेकिन ज़रूरत है किसी एकेडमी का सहारा लेकर आप अपनी प्रतिभा को निखारें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। यह ज़रूरी नहीं कि सभी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। जो बड़ा एम अचीव नहीं कर पाएंगे, वो भी कम से कम शरीर तंदुरुस्त रख पाएंगे और स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो शख्स अपना कुछ भी काम कर सकता है। साथ ही छोटे लेवल पर भी खेल के जरिए कुछ ना कुछ स्वरोजगार भी आपको मिल ही जाता है। ज़रूरत है देश की सभी खेल एकेडमी अपने आसपास के एरिया में इस तरह के आयोजन समय समय पर करती रहे। फिलहाल यह साई क्रिकेट एकेडमी की अच्छी पहल है। कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके मतलब कुछ प्लेयर हैं जो मतलब थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो जो ऐसे प्लेयर हैं उनके हम आर्थिक मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, और आगे वाले टाइम में अगर वो प्लेयर और ऊपर उठते हैं तो हमारी पूरी की पूरी कंपनी उसको ऊपर लेवल तक सपोर्ट करेगी। जी, और क्या क्या चीजें रहेंगी जिस तरीके से, क्योंकि प्राइस की बात कीजिए तो आपकी कंपनी कुछ जी हमारी कंपनी की तरफ से प्राइस में जो ट्रॉफी होगी हमारी कंपनी स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। बाकी मैन ऑफ द सीरीज हम दे देंगे, और बाकी बीच में जो मैन ऑफ द मैच वगैरह होते हैं जैसे भी होते हैं वो सारा का सारा हम स्पॉन्सर करेंगे, वो सारे गिफ्ट हमारी तरफ से दिए जाएंगे। क्या क्रिकेट के अलावा भी किसी और स्पोर्ट्स में आप लोग जिस तरीके से स्पॉन्सर करेंगे? जी अभी तो हमारा नॉर्मली क्रिकेट से है, बाकी हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, ये मतलब यूपी संभालते हैं, तो यूपी में काफ़ी मतलब क्रिकेट के अलावा और भी मतलब गेम्स होते हैं, तो वहाँ हमारी बातचीत चल रही है। अब जैसे ही वहाँ पर हमारा एक बार फाइनल होता है तो डेफिनेटली वहाँ भी हम सपोर्ट करेंगे, क्या तो हमारी जो भी हमारी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है अभी हम काफ़ी डोनेशन भी दे रहे हैं। आगे वाले टाइम में यूपी में काफ़ी तरह के मतलब स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप देंगे, ये हमारी सेकंड स्पॉन्सरशिप है। इसके अलावा भी हम डोनेशन जाती है VR3 की तरफ से, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, हमने हमारा वर्क बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी। ये हमारे आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी भगवत खटाना जी, जो कि हॉकी और बैडमिंटन और क्रिकेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, और उसके बाद जब हमारी दूसरी पीढ़ी उनके बाद आई, वो हमारे अंकल जी मेरे फादर जी रामपाल खटाना है, स्वर्गीय चौधरी सुशी पहलवान, जो कि कबड्डी और कुश्ती, हाई जंप, लॉन्ग जंप और फुटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी आशीर्वाद था कि मेरा बच्चा क्रिकेट में जाए, और मैंने कई स्टेट को अच्छा पोजीशन दिलाया अपने हरियाणा को, और पिछले काफ़ी समय से मैं मेहनत कर रहा हूँ इस इवेंट पर। उन्हीं का सपना था कि अपनी एकेडमी बनाई जाए और बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जाए, परंतु किसी दुर्घटनावश उनका देहांत हो गया, और उसी के नाम पर फिर इस इवेंट का नाम रखा गया इस ग्राउंड का, स्वर्गीय चौधरी सुशी पहलवान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इस स्टेडियम को बनाकर मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से खेल विलेज से बिलोंग करता हूँ, और साई क्रिकेट एकेडमी का जो ये इवेंट है ये मैं ही इसमें करा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा इवेंट है सभी लोगों के लिए, और जो क्राउड की बात है बहुत अच्छा क्राउड यहाँ पर मौजूद रहेगा, और 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो 4 ग्रुप्स हैं बिल्कुल वर्ल्ड कप की तरह है, टॉप टू टीम गोज टू क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल दैन फाइनल। एंड जो इस हमारा मकसद इस एकेडमी से जो बच्चा बहुत ही अच्छा खेलेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, और संजय फरदाबाद से कोच सर हैं,
और हमारा मकसद एक से एक अच्छे खिलाड़ी लेने का, जिस तरीके से खिलाड़ियों को मौका मिले, भारत जो है जिसमें हरियाणा स्टेट सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा से ही आते हैं, और ज़्यादा खेल जो बात की जाए खिलाड़ियों की, तो हरियाणा एक खेल भूमि की तरह उभर कर सामने आए। नीरज, ये जो कर रहे हैं मैच, क्या क्या प्राइज होंगे? फर्स्ट टीम को इसमें 51,000 कैश प्राइज, और सेकेंडली जो पोजीशन पर टीम आएगी उसको 31,000 रुपीज़, मैन ऑफ द सीरीज जो टॉप प्लेयर रहेगा इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में, उसको हरिद्वार ऋषिकेश का जो देवभूमि है उसका पैकेज दिया जा रहा है, हरिद्वार ऋषिकेश मनाली एडवेंचर कैंप, रिवर राफ्टिंग वगैरह, थ्री स्टार होटल, ये सब, और उसके साथ साथ जो इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, VR3 से जो कि स्पॉन्सर्ड करे, जो टॉप खिलाड़ी रहेंगे इस इवेंट में उनको आईफोन और कैसियो वॉच, और मेड स्पोर्ट्स की बात की जाए जो इसको हम स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं इस इवेंट को, तो मेड स्पोर्ट जो दिल्ली से है, बदरपुर दिल्ली से, वो इसमें किट प्रोवाइड करेगी जो टॉप प्लेयर रहेगा, और दूसरी तरफ बात की जाए हाईवे टू हॉलीडे की जो पैकेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टॉप प्लेयर रहेगा इस अकेडमी से इस इवेंट में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट केरला का पैकेज दिया जाएगा 3 days 2 nights। नीरज, सबसे ज्यादा इस गौरव कुमार, गौरव किस तरीके से आप इस मैच में सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी देंगे जो खिलाड़ी होंगे उनको, क्या फैसिलिटी? फर्स्टली तो जो हमारे नीरज भाई है, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया स्पॉन्सर करने का, और हमारी तरफ से इसमें 2 nights 3 days का पैकेज है ऋषिकेश हरिद्वार राफ्टिंग का, और बाकी हम काफी सारे बैनर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये राउंड अच्छा लगे। और खिलाड़ियों के लिए किस तरीके से, जिस तरीके से क्योंकि 16 टीमें जीत रही हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी आप लोग देंगे आपकी तरफ से, जो आपकी कंपनी है? हमारी तरफ से जो रिफ्रेशमेंट होगा वो हम दे रहे हैं, लाइक वाटर, पेप्सी और जो सारी चीजें होती है, और जो भाई अच्छा खेलेगा उसे हम मौका देंगे भविष्य में नौकरी करने का इन विदेश फॉरेन कंट्री, जो अच्छा खेलेगा। ठीक, हेलो, मेरा नाम विवेक सिंह नेगी है। विवेक, किस तरीके से स्पॉन्सर कर रहे हो और क्या है आपका ब्रांड, क्या है? मेरा ब्रांड है फिटवेलर, एंड फिटवेलर के स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, इंडियन स्पोर्ट्स वेयर, एंड मैं फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी नीरज खटाना को पहले वाले टूर्नामेंट में स्पॉन्सर किया था, टी शर्ट, ट्रैक सूट। हमारे स्पोर्ट्स ब्रांड यू नो वेरी वेल कि हमारे इंडिया में काफ़ी स्पोर्ट्स ब्रांड बाहर से आते हैं, नाइकी, प्यूमा, अंडर आर्मर, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, एक मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने इसी के देखते हुए एक ब्रांड बनाया फिटवेलर, और उसमें फैब्रिक क्वालिटी हम वही देंगे जो नाइकी और रिबॉक देते हैं। एंड इस स्पॉन्सरशिप का मेरा एक मकसद भी है कि अभी मेरी ब्रांड ग्रो कर रही है, बूम में आने तक अगर लोगों को पता चलेगा कि स्पोर्ट्स ब्रांड है, और स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स ब्रांड बहुत एक कंफर्टेबल फील करता है, तो इसीलिए मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी नीरज खटाना को फर्स्ट टूर्नामेंट में स्पॉन्सर किया था। अनुभव यही रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, और स्पॉन्सर कर रहे हैं हम इस जो है टूर्नामेंट में, चाहते हैं जो लोग पीछे तह रहे हैं वो आगे आएँ, किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या है तो हमारी कंपनी स्पॉन्सर इसीलिए कर रही है, अगर किसी प्रकार की किसी दिक्कत आती है तो हम उसको जो है उसकी आर्थिक रूप से या और क्रिकेट को अच्छा खेलने की इच्छा भी करती क्या, जिस तरीके से खेलने की इच्छा करती थी, पहले खेलते भी थे, लेकिन अब जो है जिम्मेदारियाँ हैं और काम कर रहे हैं, कभी कंपनी है, भैया डायरेक्टर हैं, मैं जो है यूपी संभालता हूँ पूरी, तो बस खेलने की इच्छा तो करती है लेकिन अब जिम्मेदारियाँ तो समय नहीं मिलती। VR3 की तरफ से कुछ और भी बता रहे थे, क्या कुछ बताया? VR नॉर्मली हमने अभी टीवी निकाली है, जो हमारा ब्रांड है VR3, उसी के नेम से होंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी आने वाले दिनों में फोन मार्केट से हमारी बात चल रही है, तो आने वाले टाइम में VR3 के फोन भी हम लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन साइट भी हमारी कुछ ऑनलाइन साइट भी चल रही है। नॉर्मली इससे फायदा ये है कस्टमर्स को, जो मार्केट में 40,000-50,000 की चीज़ मिलती है वो हम आपको 20,000 तक प्रोवाइड करेंगे, लाइक टीवी हम आपने देखा होगा सैमसंग की टीवी, बाकी ब्रांड की टीवी बहुत महंगी मिलती है, बट VR3 जो ब्रांड है इसकी टीवी क्वालिटी भी अच्छी होगी और ये टीवी हाफ रेट में होगी, सो कस्टमर को भी काफ़ी फायदा मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे निकल रही हैं, बट अभी हमें कंपनी को स्टार्ट हुए भी काफ़ी 3-4 महीने हुए हैं, और अभिषेक जी हैं, सुनील जी हैं जो दिल्ली से मार रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी ब्रांच भी खुल रही है, हमारी आगरा में ब्रांच खुल चुकी है, मथुरा में ओपन करने वाले हैं, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली हम काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसी ब्रांच बढ़ती जाएंगे तो उसी हिसाब से हम अपना प्रेशर बढ़ते जाएंगे वर्क का।